अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे रैनिटिडीन की, रैनिटिडीन क्या होती है और फिर बात करेंगे इसके यूजेस की कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ पाया जाता है, और नेक्स्ट बात करेंगे इसके ब्रांड नेम की, ये मार्केट में किस किस ब्रांड नेम से मिलती है, और फिर बात करेंगे हम इसके साइड इफ़ेक्ट की कि जो रैनिटिडीन होता है उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट पाए जाते हैं, और लास्ट में बात करेंगे इसके वार्निंग की कि क्या क्या इसकी वार्निंग होती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। आइए जानते हैं कि रैनिटिडीन क्या होती है। रैनिटिडीन जो होती है एस टू ब्लॉकर्स एक मेडिसिन होती है जो एंटी हिस्टामिन ड्रग होती है या एंटी हिस्टामिन ड्रग ग्रुप से ली गई होती है। नेक्स्ट बात प्रॉपर्टीज जो होती है, इसका यूजेज होती है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, जो मैं रैनिटिडीन होता है उसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है देख लेते हैं। पहला जो यूज होता है उसका स्टमक और इंटेस्टाइनल अल्सर्स में यूज किया जाता है। इसका जो हमारी आंतों में या पेट में क्या हो जाते हैं अल्सर्स हो जाते हैं, उनको भरने में इसका यूज़ किया जाता है, जिससे पुराने अल्सर ठीक हो जाते हैं और नए अल्सर्स नहीं बन पाते हैं। सेकेंड की यूज करते हैं स्टमक पेन में हो जाता है, जिससे हमारे घर पेट में क्या होती है गैस बनती है, और फिर हम इसका यूज़ करते हैं हार्ट बन में यूज करते हैं, सीने में जलन हो जाती है तब इसका यूज़ किया जाता है, और फील थ्रस्टी जब प्यास व्यास लगती है हमें का यूज़ किया जाता है, और थ्रोट ड्राइनेज जब हमारा गला सूखा होता है तब भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे इसके साइड इफेक्ट की, इसके साइड इफेक्ट क्या क्या पाए जाते हैं। हेडेक पाया जाता है, सिर में दर्द पाया जाता है, और क्या होता है लूज मोशन हो सकते हैं, हमें लूज मोशन लग सकते हैं, फिर नोजो वॉमिटिंग हो सकती है, और स्किन पर रैशेज पाए जाते हैं, जो हमारी स्किन होती है उस पर क्या हो जाते हैं रैशेज हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है इसकी डोज की, जो हमारी रैनिटिडीन होती है वो किस किस फॉर्म में पाई जाती है। 75 mg मिलीग्राम में पाई जाती है, और 150 mg मिलीग्राम में पाई जाती है, और 300 mg फॉर्म में भी पाई जाती है, और ये तीन फॉर्म में पाई जाती है हमारी, टैबलेट फॉर्म में पाई जाती है, इंजेक्शन फॉर्म में पाई जाती है, और सीरप फॉर्म में भी पाई जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है इसकी वार्निंग्स होती हैं कि जो रैनिटिडीन है उसकी क्या क्या वार्निंग्स पाई जाती हैं, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। पहले देख लेते हैं, हमें प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं देना होता है, और सेकंड की बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है उन्हें नहीं देना होता है, लीवर सिरोसिस में नहीं देते, जो लीवर प्रॉब्लम होती है वहाँ नहीं दे सकते हैं हम इसको, और किडनी डिसीज जो होती है उसमें नहीं दे सकते हैं हम इसको, इसकी अल्कोहलिक पर्सन को नहीं दे सकते हैं। इसका जो बेस्ट तरीका होता है लेने का, खाना खाने से 1/2 घंटा पहले हमें खा लेनी चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है इसकी ब्रांड नेम होती है कि ये किस किस ब्रांड नेम से हमें मार्केट में मिलती है। ऐसे लोग की बात करते हैं, जो ऐसी लोग टैबलेट होती है उसे कौन बनाती है, कैडिला फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है, और नेक्स्ट को देखें जिनटेक को कौन बनाता है, जीएस कंपनी बनाती है, और नेक्स्ट जो होती है रेंटेक होती है, इसे कौन सी बनाती है, जीएस जेल कंपनी बनाती है, इंटेक जो ब्रांड नेम पा जाता है उसे कौन बनाती है, रनबैक्सी बनाती है। अगर आपको ये मेरी यूट्यूब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिएगा।